ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड, वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़े। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग बीत गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा सत्र बीजेपी रहेगी। उद्देश्य था संस्कार देना, उद्देश्य था कि परिवर्तन के माध्यम कैसे बनते, उद्देश्य था कि उनको यह बताना कि एक साथ मिलकर के काम कैसे कर सकते। हमारे पास बहुत से लोग आते थे, नड्डा जी टेल मी सम वर्क, वी कैन डू एनीथिंग, पर ये बैठक उठक हमें नहीं आती। मैं कहता था इसी उठक बैठक से तुम बनोगे, इस बात को याद। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये संस्कार देने का केंद्र। इसलिए कार्यालय जब हम बोलते हैं तो वह संस्कार केंद्र। आपको पता चलता है कि एक साथ मिलकर के काम कैसे किया जा सकता है, और जब विपरीत परिस्थिति में हमारे लोगों ने खड़ा किया है। कोई जानता था इससे पहले जब वो पार्टी में आया कि फुल टाइमर क्या होता है, परिवार के बिना रहने वाले लोग कैसे काम करते हैं। कोई जानता था कि पार्टी को खड़ा करने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान किया है। ये सब चीजें जानने का केंद्र है तो कार्यालय है, और इसलिए इनफॉर्मल एजुकेशन का रास्ता भी कार्यालय है। लेकिन अब हम नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और अगर हमको नई ऊंचाइयों पर जाना है तो मॉडर्न फैसिलिटीज का उपयोग करते हुए हमारा कार्यकर्ता मोस्ट मॉडर्न विषयों के साथ भी अपने आप को जोड़ता हुआ दिखना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, कैसे घट रही है, क्या घट रहा है, ये सारी जानकारियां हासिल करने का केंद्र अब हमारा कार्यालय है। इसलिए कार्यालय का उपयोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग बीत गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा सत्र बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे हैं, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगे हुए। अब याद कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना, ऐसे 100 परिवार आपको मिल जाए। आज मैं गंगा बाबू जी के यहां जाने वाला हूं, दानापुर का चुनाव लड़ते थे, कभी सोचा था कि जीतेंगे। आज भी हमारे कभी आरोप कठिन की सीट बन जाती, लेकिन क्या सरलता से चुनाव लड़ते थे, कौन सी प्रेरणा थी उनको, विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी हैं, और हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, और कैडर बनता है कार्यालय में, उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है। 2 दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कहीं कोशिश कर ले जितना करना, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला जी, ये जितने कैंप लगाने न लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग नाम की चीज इनको समझने पहले खुद ट्रेन होना पड़ेगा। संस्कार 2 दिन में नहीं आते, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का। हम किसी को जानते हो असम में, न जानते हो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको मालूम है कि हमारे कार्य करने का तरीका है। हमें मालूम है कि हमारे बूथ के अध्यक्ष को मैं अपने साथ बैठा करके किस तरीके से विचार से जोड़ना चाहता हूं। ये 2 दिन में ये तरीके नहीं आते, ये कम्युनिकेशन 2 दिन में नहीं आता, ये संस्कारों से आता है। और ये संस्कार पैदा करने में निश्चित रूप से एक तरीका होता है जिसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम विचार बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी, और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी, सबसे बड़ी मास फॉलोइंग हमारी। आप सोचिए ना, आज सभी लोग अपनी पार्टियां छोड़ करके 20-20 साल 30-30 साल लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों
क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि कार्य करते हुए देश को परिवर्तित करने का उपकरण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को ये छोटी घटना नहीं होती, 20-20 साल 30-30 साल जीवन का किसी पार्टी में लगा देना और उसके बाद फिर आकर के हमको हम इस तरीके से खड़े होंगे, कोई छोटी घटना नहीं होती। ये हमारी जो फॉलोइंग बढ़ रही है, और मैं कई बार मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आप सब कहना चाहता हूं कि देखिए हम राजनीति को समझें। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पर कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल कमिटमेंट विथ रीजनल एस्पिरेशंस, विविधता में एकता, ये नारा नहीं था ऐसी, ये ऐसे ही नहीं था कि मुंह से निकल गया, ये सोचा समझा, यूनिटी अमंग डायवर्सिटी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया एक देश में एक निशान एक विधान एक प्रधान रहेगा और एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं रहेगा, तो उसी लड़ाई को 51 से लड़ते लड़ते 2020 में 5 अगस्त 370 को धाराशाही किया है। यह विचारधारा कोई पार्टी नहीं, और एक देश में अब एक निशान एक विधान एक प्रधान बन गए। तो ये विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है जिसके कारण से ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं जब कहता हूं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई,